तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेटेस्ट जॉब के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है होमगार्ड की भर्ती निकल के आ रही है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं आ रखी है तो आपको बता दूं कि आपकी जो भर्ती हुई जल्दी ही यहाँ पे आ जाएगी और उसका नोटिफिकेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले मैंने यहाँ पर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था कि होमगार्ड की भर्ती आई थी, और उससे पहले ठीक है देहरादून के बारे में भी हमने बात कर लिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड बागेश्वर। तो बागेश्वर में हम बात करेंगे इसकी जो यहाँ पर आई हुई वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। और इसकी जो सैलरी होती है होमगार्ड की वो 18,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग होती है। आजकल पहले 15,000 रुपये था, तो यहाँ पर जो है 3,000 रुपये इनका जो है वेतन बढ़ चुका है। तो यहाँ पर 18,000 रुपये यहाँ सैलरी मिलती है। और इनको जो है ठीक है ना फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और जिला कमांडेंट कार्यालय तहसील परिसर बागेश्वर में आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अपने हाथ के द्वारा वहाँ पर दे सकते हैं, हाथों से दे सकते हैं, या तो इसको पोस्ट कर सकते हैं बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट में थोड़ा सा रुपया लगेगा, बाकी अगर आप नज़दीक के हैं तो यहाँ पर जमा कर सकते हैं कार्यालय में जाकर। और ये जो डेट है इसको फिल करने की, जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पर 10 जनवरी 2000 ठीक है 20 है। इससे पहले पहले आपको फिल करना है, और 20 तारीख से स्टार्टिंग करना है, 20 दिसंबर से ये फॉर्म फिल होंगे। और इसके लिए जो पास योग्यता चाहिए वो पाँचवीं पास थी, पाँचवीं पास होना कंपलसरी है। और आयु की गणना करेंगे तो 1/7/2019 को यहाँ पे 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होगा, 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है ना उसके लिए। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब बात करें यहाँ पर पोस्ट की, बात करते हैं तो पोस्ट देखें यहाँ पे प्लाटून का नाम दे रखा है, यहाँ पे ग्रामीण प्लाटून गरुड़ में है, 4 पोस्ट हैं। और इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पे ग्रामीण प्लाटून बागेश्वर, बागेश्वर में देखिए 4 पोस्ट यहाँ पर भी हैं। ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए है। और ग्रामीण प्लाटून कप कोड की बात करें तो 1 पोस्ट है इसमें, और ओबीसी के यहाँ पे रखा गया है। टोटल जो पोस्ट हैं 9 पोस्ट हैं, और ठीक है ना ओबीसी के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, 2 पोस्ट जो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 4 जो पोस्ट हैं यहाँ पर ठीक है ना वो अनारक्षित के लिए हैं। तो इन पोस्टों पर जो है वैकेंसी आई है, टोटल जो है 9 पोस्टों के लिए आई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल इसको फिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है जो कमेंट जरूर करें, उसका यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, तो कमेंट जरूर कर दें ताकि यहाँ पर हम इसको रिप्लाई कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।